आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी हाँ, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई अधिकारी नहीं बल्कि एनसीसी कैडेट्स हैं जो संविधान दिवस पर संविधान जागरूकता रैली निकाले हैं। इसमें अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालय से आए हुए एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय बेगूसराय, उमर गर्ल्स हाई स्कूल बिष्णुपुर एवं महंत राम जीवनदास महाविद्यालय बेगूसराय से आए हुए एनसीसी कैडेट्स ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सीनियर कैडेट्स के रूप में संगम कुमारी और मुस्कान कुमारी भी उपस्थित रहीं। जानकारी के मुताबिक नुक्कड़ नाटक एवं मानव श्रृंखला के द्वारा जागरूकता सम्मेलन भी प्रसारित किया गया। वहीं संविधान दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने अपना वक्तव्य भी रखा। वहीं आपको बताते चले कि कोविड-19 को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जिसे फिर 29 नवंबर को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फोर विहार गर्ल्स बीएनसीसी सहरसा के कर्नल अधिकारी दामोदरन पी की उपस्थिति में की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में किया गया। मौके पर श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार, फोर्ड बिहार गर्ल्स बीएनसीसी सहरसा के सूबेदार रविंद्र थापा, एमआरजेडी केयर टेकर शीला कुमारी, श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के लेक्चरर डॉक्टर संगीता कुमारी एवं तमाम शिक्षक पीआई स्टाफ और तमाम कॉलेज सहयोगी उपस्थित थे। वहीं फोर्ड बिहार गर्ल्स बीएनसीसी सहरसा के कर्नल अधिकारी ने संविधान दिवस पर अपना वक्तव्य रखे। वहीं श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने भी अपना संविधान दिवस पर अपना वक्तव्य रखे। देखे इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आदरणीय प्रिंसिपल सर, एसके मांडा कॉलेज बेगूसराय, अध्यापक गण, एनसीसी ऑफिसर्स, पीए स्टाफ और मेरे प्यारे कैडेट्स, मुझे बहुत खुशी हो रही आप लोगों के बीच आकर के, जबकि मैं दो दिन पहले ही फोर गर्ल्स बटालियन बिहार बटालियन एनसीसी सहरसा का कार्यभार संभाला हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है, तो मैं जहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली कैडेट्स के बीच में वहाँ पे हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं आते ही जो है आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। एक्चुअली मैं कैडेट से ही बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो संविधान दिवस समारोह है जिसमें हम टिकट हुए यहाँ पे, इसके बारे में बहुत सारे प्रचार हो चुका है। हमने दो दिन पहले ही मनाया, आज फिर मना रहे हैं, उसके बारे में आई थिंक स्पीकर्स है वो बता रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एनसीसी के बारे में दो तीन शब्द कहना चाहूँगा। पहली बात, मैं आप सबको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको अनुमोदन करना चाहता हूँ कि आप एनसीसी चुने अपने प्रस्पेक्टिव स्कूल्स और कॉलेज में, क्योंकि जो नेशनल कैडेट कोर है हमारा पूरे विश्व का एक लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा विश्व काफी लोगों को पता नहीं होगा जो एनसीसी में है, उनको भी नहीं पता होगा कि आप लोग जो है पूरा दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और ये जो संस्था है नेशनल कैडेट को बहुत बड़े बड़े माननीय व्यक्तियों को हमारे देश में मेहमान पैदा किया, जैसे आपको मालूम होगा हमारा वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी कैडेट रह चुके, हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर दिवंगत मनोहर पर्रिकर जी उनसे कैडेट, वही हमारा दिवंगत सुषमा स्वराज जी वो भी एनसीसी कैडेट है, स्मृति ईरानी वो एनसीसी कैडेट है, और जो हमारे देश का प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है कोई बता सकता है? किरण बेदी। एक्सेलेंट, डॉक्टर किरण बेदी आईपीएस। अभी क्या है वो
अभी क्या कर रहे हो करंट में आईपीएस? किसको पता है वो पुलचेरी जो राज्य है, छोटा सा राज्य, उसका राज्यपाल गवर्नर, तो वो भी एमसीसी कैडेट है। तो ये कुछ व्यक्तियों का नाम है, इसके अलावा बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां हैं जो एनसीसी कैडेट कर चुके हैं। उन्होंने जब भी उन्होंने बहुत बड़े मीडिया के साथ जो इंटरव्यू देते हैं, जो भी फंक्शन में आते हैं, तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और एनसीसी की वजह से। आप किसी भी क्षेत्र में भविष्य में जाएंगे, अपना काम करेंगे, चाहे वो ऑन फोर्सेस हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो भी आपको शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हुई है एनसीसी में, वो आपको आगे बढ़ाएगा जरूर। एनसीसी का जो मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, किताब और अनुशासन, ये एक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। ये आपको किसी भी क्षेत्र में आप पायलट कर रहे हो उसमें आपको बहुत आगे जाने में मदद करेगा। मैं आपको सबको जो है संविधान दिवस समारोह का शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी जो है, जो भी दिव्यांग जो एनसीसी कैडेट है, बाकी सारे छात्र के लिए प्रेरणा बने, रोल मॉडल बने, और अपने भविष्य में जिस क्षेत्र में भी आप जाते हो उस क्षेत्र में माहिर बने। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग सबको आर्मी भर्ती होना है, अपॉर्चुनिटी से आप लोगों के लिए एनसीसी एक ऐसी संस्था है कि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवसर देते हैं। महाराज छात्राएं जो एनसीसी जो हम बोलते हैं सीनियर बी के कैडेट्स और जूनियर बी के कैडेट्स हैं, बिन बने हैं, अगर आप लोग एनसीसी बनना चाहते हैं तो अवसर बन के आ सकते हैं। जैसे हमारे पिटाल में मेजर साहब हैं जो एनसीसी को अवसर अधिकारी महिला अधिकारी है। इसके अलावा एक जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्टीट्यूट का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने, बाकी आर्मी में भी आजकल सोल्जर आर्मी में भी लड़कियों को भर्ती कर रहे हैं, शुरू हो गया, और आर्मी है, बाकी जो जितना भी जो आर्मी फोर्सेस है, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपीएस, सीएसएफ है, सब में जो है आप पुलिस में तो है ही है, राज्य पुलिस में भी आप भर्ती हो सकते हैं, और उसमें भी आप एनसीसी आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर आप आर्मी में अधिकारी बन के आना चाहते हैं तो अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपको बी आई डी ग्रेड से आप विजयी हुआ है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जो सी सर्टिफिकेट है वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने का है। एक्चुअली जो शिक्षा है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि टू डेवलप ए साउंड माइंड एंड ए साउंड बॉडी, है ना। तो इस उद्देश्य को भी, शिक्षा के उद्देश्य को भी एनसीसी द्वारा जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कर्नल महोदय सूबेदार साहब, उनके साथ आए हुए जवान, अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालयों के आए हुए एनसीसी कैडेट्स पदाधिकारीगण, महिला महाविद्यालय की शिक्षिका, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, आप तमाम लोगों का इस मंच पर आज मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि आज के दिन आप लोगों की उपस्थिति में संविधान दिवस
के ऊपर चर्चा और विमर्श करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हजारों वर्ष लग गए और तब जाकर के कोई राष्ट्र आज के सबसे उन्नत राजनीतिक स्वरूप को प्राप्त करता है जिसे कि हम प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि उसका कोई एक लिपिबद्ध लिखा हुआ संविधान नहीं होता। भारत 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था सरकार के लिए बहुत ही दुर्पसंद चीजें थी। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, तो उसको हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते तो रहे, लेकिन हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उस कानून व्यवस्था के लिए लिखे हर तबके के लिए, हर तरीके के लिए, हर सेक्टर के लिए कानून निर्माण हो और जिसके जरिए देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में उस कानून को बड़े ही सुचारू तरीके से लिखने और विमर्श के उपरांत उसे स्थापित करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नियुक्त किया गया। हालांकि उसके अध्यक्ष हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन महती काम का सारा दायित्व डॉक्टर बाबा जी अम्बेडकर जी के जिम्मे था और उनके नेतृत्व में लगभग 2-2.5 वर्षों में उन लोगों ने संपूर्ण संविधान लिख करके तैयार किया और तब जाकर के 1950 26 जनवरी के दिन संविधान को देश को समर्पित किया गया। इसलिए उस दिन को हम वास्तविक रूप में वस्तुतः गणतंत्र हो गए। ये अलग बात है कि भारत का एक बड़ा ही अपूर्व और बहुत ही चास के दिन उस लिखित संविधान को संविधान सभा ने देश को समर्पित किया और उस दिन के बाद से भारत अपने आप को गणतंत्र के रूप में देखने के लिए स्वतंत्र हो गया। ये अलग बात है कि भारत की अपनी एक बड़ी ही शानदार ऐतिहासिक यात्रा रही है। लगभग 3,500 वर्ष पहले जिस बिहार में हम बैठे हैं, इसी बिहार में गणतंत्र की नींव पहले रखी गई थी और सबसे पहले मुजफ्फरपुर वैशाली का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था। यानी कि इस चीज़ की परिकल्पना हमारे देश में हजारों वर्ष पहले से थी, लेकिन आधुनिक भारत में वास्तविक रूप से हम गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुए। उस दिन के बाद से हर नागरिक को यह सम्मान और यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के तहत पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर व्यक्ति का अधिकार समान है। और इस लिखित संविधान के जरिए न्यायालय की व्यवस्था की गई कि अगर आपका कोई अधिकार हनन होता है या किसी भी प्रकार की आपको परेशानी या दिक्कत होती है तो आप न्यायालय के शरण में अपने अधिकार को मनवाने के लिए जा सकते हैं। तो न्यायालय व्यवस्था की भी स्थापना हो गई और उसके बाद कार्यपालिका की स्थापना हो गई कि राज्य सरकार जो या केंद्र सरकार सर्वोच्च सदन से बना करके कोई भी हम आम लोगों के लिए कोई भी नियम कायदा कानून अगर बना करके पारित करती है तो उसको लागू करने के लिए एक लंबी नौकरशाही की फहरिस्त हम लोगों के लिए बना करके दी गई, जिसको कि आप सिविल सर्विसेज करते हैं। सिविल सर्विसेज केंद्र सरकार के द्वारा है और केंद्र राज्य सरकार के पास भी अपना जो है कानून को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यहाँ भी सदन के निर्माण की प्रावधान की गई, जिसमें कि आप विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं और उसके साथ ही उसके साथ कार्यपालिका की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी की गई। तो सिस्टमेटिकली हम देखते हैं कि कानून को टॉप टू बॉटम इन द लास्ट रैंक
हाशिए पर बैठा हुआ देश का सबसे आखिरी व्यक्ति तक संविधान सभा से निकले हुए कानून के द्वारा न्याय व्यवस्था उसके दरवाजे तक पहुंचता है और उस तक पहुंचाने की जो कोशिश होती रहती है उसको उसके ही सम्मान में हम संविधान दिवस मनाते हैं। और आप सबको, अपने देशवासियों को, सारे एनसीसी कैडेट्स को इस संविधान सभा के दिन पर आपको इस संविधान को शपथ लेते हुए आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत